देखो जनरली होता क्या है, हम जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां हमारी दोस्त होती हैं और हम कुछ लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या कुछ लड़कियां नहीं बनती हैं। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज छोड़ चुके होते हैं, पढ़ाई ख़त्म कर चुके होते हैं, तो हमारे आसपास लड़कियों की कमी होती है। ऐसे वक्त पर लड़की कैसे पटाएं, आज का वीडियो इस टॉपिक पर है। स्कूल कॉलेज पढ़ाई ख़त्म करने के बाद लड़की कैसे पटाएं, इस पर बहुत सारे वीडियोज आएंगे। तुम्हें कहाँ जाना होगा, लड़की पटाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे ऑफिस की लड़की, मतलब हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाली लड़की को कैसे पटाएं। देखो ऑफिस की लड़कियों के सपने अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन उनको पटाने का तरीका एक सा ही होता है। ऑफिस की लड़कियों को वो लड़का पसंद आता है जिसके साथ जुड़कर लड़की सक्सेस हो सके, उसे प्रमोशन मिल सके और ऑफिस के बाद खाली वक्त में वो जिसके साथ इंजॉय कर सके। जी हाँ दोस्तों, मस्ती, इंजॉयमेंट, पार्टीज के सपने ज़्यादातर ऑफिस की लड़कियाँ ही देखती हैं। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ऑफिस की लड़कियों को कैसे पटाना है तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार का चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। ऑफिस की लड़कियों को पसंद होता है वो लड़का जो उनके काम में उनकी मदद करता हो। अब तुम बोलोगे काम में तो सभी मदद करते हैं, लेकिन तुम्हें लड़की का ऐसे काम में मदद करनी है जो वो पूरा ना कर सके, मतलब किसी डिफिकल्ट टास्क को पूरा करना होगा या किसी भी काम को पूरा करने का आसान तरीका ढूंढना होगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो तुम सबके नज़र में आ जाओगे कि जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखाया, बॉस तुमसे खुश होगा। दूसरा, ऑफिस की सारी लड़कियाँ खुद तुमसे बात करना चाहेगी और वो तुमसे सीखना चाहेगी कि किसी भी काम को कैसे पूरा किया जाता है। दूसरी चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी। तुम्हें अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना होगा कि जब तुम बोलो तो लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बातों का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत सारे लोग बॉसेस की बात भी नहीं मानते क्योंकि वो अच्छे लीडर नहीं होते। अच्छे लीडर वो नहीं होते जो सिर्फ चिल्ला कर बात करते हैं, जो सिर्फ गुस्सा करते हैं या हमेशा डांटते रहते हैं। अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो रास्ता दिखाता है, काम को सही तरीके से बांटता है, काम को सबके साथ मिलकर पूरा करता है, सबके साथ काम में हेल्प भी करता है। लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें बातें कम करना होगा। जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, बोलने से ज़्यादा करके दिखाओ। लोग तुम्हारी बात तभी सुनेंगे जब तुम कम बोलते हो। लोगों को इंतज़ार होना चाहिए कि तुम कब बोलो। औरत की सबसे पहली मांग होती है शक्ति, ताकत, पावर। औरत उसी मर्द को पसंद करती है जिसके हाथ में कंट्रोल होता है। तीसरी चीज़ है डिसेंट लुक। अगर तुम ऑफिस में ऑफिशियल नहीं दिखते, ऑफिस के लिए ऑफिस जैसा तैयार नहीं होते, तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हारी बात मानेगा। यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। हर काम करने के लिए उसके लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हें काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारे कपड़े बताते हैं कि तुम कितने इज्जत के लायक हो, और जहाँ इज्जत होती है वहाँ प्यार अपने आप पैदा होता है। तुम्हें उसी इंसान से प्यार होता है जिसकी तुम इज्जत करते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।